हेलो एवरीवन, आई एम महेंद्र सिंह फ्रॉम सैग इन्फोटेक। आज हम हमारे सॉफ्टवेयर सैग वेब जीएसटी के थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्शन के प्रोसेस जानेंगे। इस पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हम यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करके साइन इन करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आज हम देखेंगे ITC 4 का यूज़। बेसिकली ये ITC 4 यूज़ में आता है मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। मैन्युफैक्चरर्स इसका यूज़ लेते हैं अपने जॉब वर्कर को, या जो अपनी गुड्स होती है गुड्स को जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि एक चालान के फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस पर वर्क करने के लिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपको एक क्लाइंट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है ईयर, जिस ईयर के लिए काम कर रहे हैं, एंड सेलेक्ट करना होता है अपना क्वार्टर कि किस क्वार्टर के लिए वर्क कर रहे हैं। क्लाइंट सेलेक्ट करने के बाद अब आप आएंगे फिल फॉर्म के ऑप्शन पे। फिल फॉर्म पे क्लिक करके अब सबसे पहले आप अगर चाहें तो यहाँ इस ऑप्शन में गेट पोर्टल के थ्रू अपना डेटा डायरेक्टली पोर्टल से गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट डेटा फ्रॉम पोर्टल। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जो कि ऑटोमेटिकली आएगा, आप यहाँ पे अपना कैप्चा एंटर करके ओके करेंगे, तब डायरेक्टली पोर्टल से डेटा गेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पे ऐड कराना तो आप इस ऐड ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करा सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इसमें आप सबसे पहले चालान, जो भी चालान बना रहे हैं, वो चालान नंबर टाइप करेंगे यहाँ पे डेट, किस डेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे स्टेट की किस स्टेट में आप जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और सेलेक्ट करेंगे आप जॉब वर्कर का GSTN नंबर। इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऐड के ऑप्शन पे, जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जॉब वर्कर का टाइप। इसके लिए आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं जिस जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगा गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। इसके बाद जॉब वर्कर का नेम, स्टेट, जिस स्टेट में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जिस HSA, मतलब जिस गुड्स के लिए हम काम कर रहे हैं, वो डिटेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आप सेव कर देंगे और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एक एंटर हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और मैंने सेव कर दिया इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आपकी यहाँ पे जॉब वर्कर की इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन तरीके के ऑप्शन दिए हैं जॉब वर्कर टाइप में, जिसमें एक है गुड्स सेंड टू दी अनदर जॉब वर्कर। इसका मतलब ये है कि आपने जिस जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र किया था चालान, अगर वो किसी थर्ड जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र करना चाहे तो आप इस ऑप्शन का यूज़ में ले सकते हैं, या गुड्स रिसीव्ड बैक टू दी जॉब वर्कर, या गुड सप्लाइड फॉर दी जॉब वर्कर। इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन जहाँ पे आप जिस थर्ड जॉब वर्कर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ एंट्री मोड का ऑप्शन है जहाँ पे आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, और इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं ITC 4 की इन्फॉर्मेशन। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आप यहाँ से आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। चूँकि है, सबसे पहले मैं एक बार सेट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो इंपोर्ट करा सकते हैं डिटेल्स गवर्नमेंट एक्सेल से। आप गवर्नमेंट एक्सेल के थ्रू डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं। जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो चालान इन्फॉर्मेशन है या जॉब वर्कर डिटेल्स है, आ जाती हैं, इसके बाद आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली फिल रिटर्न के थ्रू आप यहाँ से रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है व्यू एरर का। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि जो रिटर्न या डेटा आपने अपलोड किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है, आप यहाँ व्यू एरर के थ्रू डायरेक्टली वो एरर फाइल डाउनलोड करके उसे भी व्यू कर सकते हैं। तो ये था बेसिक प्रोसीजर ITC 4 का। इसमें एक ऑप्शन और है जो कि है जॉब वर्कर का। इसका यूज़ ये है कि अगर आप अपने जॉब वर्कर लिस्ट यहाँ पर चेक करना चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऑप्शन दिया है ऐड का। आप या तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करा सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, जिसमें कि आप प्लस आइकन के थ्रू अपना जॉब वर्कर नेम और उसकी रिमेनिंग मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कंट्री, स्टेट सेलेक्ट करके ऐड करेंगे। ऐड गुड्स के थ्रू आप यहाँ ऐड करेंगे उसकी गुड्स इन्फॉर्मेशन, और इस तरीके से आप डायरेक्टली ऐड करा सकते हैं अपने जॉब वर्कर की डिटेल्स। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है अपडेट ट्रेड नेम। अगर आप डायरेक्टली पोर्टल से गेट करते हैं और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं आती है जॉब वर्कर की,
तो यहाँ गेट डिटेल फ्रॉम गेट डिटेल जॉब वर्कर के थ्रू आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में गेट कर सकते हैं पोर्टल से। तो ये था बेसिक प्रोसीजर जो कि ITC 4 प्रिपेयर करने के लिए होता है। अगर आपको कुछ और क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर जो कि है 01414072000, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल ID info@saginfotech.com पे।